तो देखिए दोस्तों, इस बच्चे के पेट में हो रहा है दर्द, इसको हो रखी है कॉन्स्टिपेशन। हमने इसके पेट के ऊपर ये गीला कपड़ा करके बिल्कुल निचोड़ के 5 मिनट के लिए रखा है। 5 मिनट होने वाले हैं, हम ये कपड़ा हटाने वाले हैं। इसका पेट हो गया है थोड़ा थोड़ा ठीक। ये कितना ठीक हो गया बेटा? बताओ। अभी सॉरी गाइस, अभी ये 3 महीने का, 3 महीने क्रॉस कर लिया, 3 महीने 10 दिन का बच्चा है ये। इसका पेट खराब है तो अभी ये ज़्यादा बोल नहीं सकता है, सिर्फ ये स्माइल कट 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 स्माइल पास करेगा करेगा, मेला बाबू छोना बाबू करेगा। चलो, इसका पेट हो रखा था खराब थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इसकी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हम कुछ खाने पीने को नहीं दे सकते हैं। तो हम बिना किसी दवाई के, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द हो रखी है, बच्चे के गैस हो रखी है, तो कैसे ठीक करेंगे? तो हम करते हैं गैस इस तरीके से ठीक कि 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप गीला कपड़ा करके या छोटा टॉवल करके आप इस तरीके से यहाँ पे पेट पे रख दीजिए, ऊपर से कंबल डाल दीजिए। उसके बाद आपको हल्के हाथों से बच्चे के पेट पे इस तरीके से करना है, टक 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 टक, ये लगा लो। ना ज्यादा दबाना है ना कुछ करना है, सिर्फ एक अंगूठे से जैसे फेस की मसाज करते हैं ना, उस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बच्चे का पेट से वो करना है, ये दबाना है। देखो इस तरीके से सिर्फ हल्का हल्का हाथों से करना है, जिससे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। और जैसे भी इसके पेट में गैस बन रही थी, इसको दर्द हो रहा था, अब ये खेल रहा है। थोड़ी देर पहले ये बहुत रो रहा था गैस और दर्द की वजह से, जो कि ये अब हो चुका है बिल्कुल शांत, और अब ये मजे से है। इसकी गैस जो है, कॉन्स्टिपेशन, वो ठीक हो चुकी है। तो अगर आपके घर में भी बच्चा है और उसके भी इस तरीके की दिक्कत होती है, तो आप भी ये फॉर्मूला अपना के देखिए। बच्चा चाहे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ये मेरा खुद का भतीजा है, इसको हम यहीं पे नेचुरल तरीके से ट्रीट करते हैं। तो बच्चे के कभी भी पेट में दर्द हो ना, तो इस तरीके का कपड़ा ले लीजिए, चाहे टॉवल ले लीजिए, तो उसको बिल्कुल भिगा के, मतलब कि गीला होना चाहिए और बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निचोड़ देते हैं ना। उसके बाद क्या करना है आपको कि पेट पे इस तरीके से उसके ये टॉवल रख देना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना होगा, ये हल्के कंबल आपको पता होगा इस टाइप के आते हैं, ठीक है। इस हल्के कंबल से थोड़ी सी देर ऐसे ढक दीजिए, ये ठंडी लग गया, गर्मी है लेकिन इसका कुछ भी वो नहीं है। आप ध्यान रखिए, कंबल से आप इस तरीके से ढक दीजिए। ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यू 5 मिनट तक करनी है, पर 5 मिनट के लिए ये नहीं है कि आपको सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा बताने में बच्चे को थोड़ा वो था, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात। इस तरीके से कंबल को ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ना है, मैं कहती हाँ 5 मिनट के लिए, ये नहीं है कि रख के हमने छोड़ दिया। आपको क्या करना है, 30 सेकंड्स के बाद, या ये लगा लो आइडिया से 30 सेकंड हो जाए, तो उसके बाद कंबल हटाओ, इस तरीके से हाथ रख के देखो। अगर गर्म हो जाता है 30 सेकंड्स में ही, तो इसको हटा दो और साइड फेंक दो, ठीक है। हटा देना है, मतलब कि गर्म होते ही हटा देना है। अगर ठंडा रहे तो वापस से कंबल ढक दो और थोड़ी देर के लिए रहने दो, फिर 1 मिनट 1.5 मिनट बाद फिर से चेक करो इस तरीके से। अगर 5 मिनट से पहले गर्म हो जाता है तो आप ये कपड़ा हटा देंगे, अगर जो गर्म नहीं होता है तो कंप्लीट 5 मिनट तक आपको ये ऐसे ही रखना है और उसके बाद हटा देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, पेट पे हल्के हल्के हाथों से, सिर्फ ये है जैसे हम फेस की मसाज करते हैं ना, आपको अपना थंब लेंगे, थंब का ऊपर वो रहेगा, तो इस तरीके से आपको पेट के ऊपर, नाभि से ऊपर इस तरीके से करना है। इसने हाथ पकड़ रखा है मेरा, आप बेटा उंगली पकड़ो, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं दबाना है कि भाई आप इतना दबाना है, सिर्फ हल्का हल्का ऐसा, तो कि जिससे इसको जो गैस बन रही होगी और दर्द हो रखा होगा वो ठीक हो जाएगा। पहले छूने में इसका जो पेट था ना बहुत टाइट था, अब इसका जो पेट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बेटा देखो आले ले ले। ऋत्विक, क्या हुआ, अब ठीक हो ना? तो ये प्रक्रिया कीजिए, इससे क्या होगा, आप बच्चे को किसी भी तरीके का कुछ इंटेक नहीं करवाएंगे, कोई दवाई नहीं, कुछ गोली नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। इस तरीके से है ना, जो भी बच्चे को पेट की समस्या होगी ना, वो ठीक हो जाएगी। तो आप भी जरूर अपनाइए, आपके घर में अगर बच्चा है तो जरूर अपनाइए। अगर किसी और के में अगर आप देखते हो किसी को दिक्कत है, तो आप ये उसको बताइए, या ये वीडियो किसी जरूरतमंद को शेयर कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल।
नमस्ते बेटा, नमस्ते करो, नमस्ते।